नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रिजवान है। रेडियो ऑरेंज पर आप मुझे रोजाना सुनते हो। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लिए आया हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप हीरोज को जानते हैं क्या? नहीं, शाहरुख, सलमान, आमिर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के असल हीरोज की। जी हाँ, आज 15 जनवरी आर्मी डे। मेरे हिसाब से चुनिंदा लोगों को यह दिन याद होगा। अक्सर हम ईद मना लेते, दिवाली मना लेते, क्रिसमस मना लेते, लेकिन आर्मी डे नहीं मनाते और बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ बातें उसी के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात करते हैं कि आर्मी डे क्यों मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। बात कुछ ऐसी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की शुरुआत की थी। अब इंडिया तो आजाद हो चुका था, लेकिन उसके बाद तक मतलब 14 जनवरी 1949 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही इंडिया पर काम कर रही थी, लेकिन 15 जनवरी के रोज ये कमान पूरी तरीके से इंडियन हाथों में दी गई और हमारे इंडियन आर्मी के पहले जनरल बने के.एम. करियप्पा सर। तब से 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। अभी की अगर बात करें तो हमारे सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर। चलिए बात कर लेते हैं अभी फैक्ट्स की। जब इंडिया आजाद हुआ था तब हमारी इंडियन आर्मी में 2,00,000 सैनिक थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी के आंकड़े कुछ ऐसा कहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी में 13.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो हमारी आर्मी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। चलिए अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की। 1961 में जब हमने गोवा को आजाद किया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय और उसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, लेकिन फिर भी हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलवाई थी। बात कर लेते हैं दूसरी अचीवमेंट की तो 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब हमारे पास इतनी ज्यादा सामग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी इंडियन आर्मी वहां पर डटकर खड़ी रही और लड़ती रही। बात कर लेते हैं तीसरे फैक्ट की तो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो हमने उन्हें खदेड़ डाला था और मेरे हिसाब से 1999 का हम कारगिल युद्ध भूल नहीं सकते जिसमें 5,000 पाकिस्तानियों को हमने मार डाला था। और हाँ, 2016 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक तो हम भूल ही नहीं सकते जिसके बाद हमारी इंडियन आर्मी का डंका पूरी दुनिया में बजा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। बात ऐसी है कि जर्मन के तानाशाह हिटलर ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं, लेकिन इंडिया की गोरखा रेजिमेंट को हराने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसी आर्मी है जो पूरी दुनिया को हराने की ताकत रखती है, मतलब पूरी दुनिया की आर्मियों से लड़ने की ताकत रखती है। चलिए, ये तो हमने हमारी सेना के फैक्ट्स और अचीवमेंट्स जान ली, लेकिन अब जानते हैं फ्लॉस जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं 2016 के आंकड़ों की। जी हाँ, एक बार फिर से बता दूं, मैं 2016 के आंकड़े बता रहा हूं। बात ऐसी है कि 16 के हिसाब से सेना के पास 2,17,388 ऊंची एड़ी वाले सूट की कमी है। साथ ही साथ कहना चाहूंगा 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी है। साथ ही साथ 13,00,000 से भी ज्यादा कैनवस शूज होते हैं उसकी कमी है। 1,26,226 मच्छरदानियों की कमी है। उसके बावजूद हमारी सेना डटकर खड़े रहती है और हमें सुरक्षित रखती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भले ही बॉलीवुड के हीरोज को माने, लेकिन हमारी जिंदगी के असल हीरो, हमारे देश के असल हीरो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है। साथ ही साथ मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी ने बड़ा खूब कहा था कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।